मैं रामनिवास शिवाचार्य श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर, आज मैं आपको बाल गंगाधर तिलक के सामाजिक दर्शन संबंधी विचारों के बारे में बताऊंगा, या फिर कहना चाहिए तिलक जी का जो सामाजिक दर्शन है उस पर अपन अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। और इसमें हम उन्हीं के अनुसार कहना चाहेंगे कि समाज का सुधार करने के अनेक तरीके होते हैं, अनेक रास्ते होते हैं, अनेक माध्यम होते हैं। तो तिलक साहब का समाज सुधार के लिए एक अलग प्रकार की उनकी दृष्टि थी, एक पद्धति थी, और वो पद्धति हम क्रमशः है एक एक करके उनके उन दृष्टि कर दो, विचार कर दो, हम एक एक करके ले रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला उनका उनकी दृष्टि या कार्य या विचार है राजनीतिक स्वाधीनता प्राथमिकता के रूप में। अब यहाँ पर प्रश्न यह है कि पहले सामाजिक समानता या स्वतंत्रता प्राप्त हो या राजनीतिक स्वतंत्रता। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि सामाजिक समानता पहले प्राप्त होनी चाहिए, पर गोखले तिलक साहब यहाँ पर उनका कहना था कि राजनीतिक सत्ता अपने हाथ में आनी चाहिए, उसके बाद वो सत्ता आने के बाद हम अपने जो सामाजिक सुधार हैं, जो भी समस्याएं हैं, कार्य हैं, वो अच्छे ढंग से कर सकते हैं। और एक बम्बई क्रॉनिकल को तिलक साहब ने एक लेख लिखा था और उसमें अपने ये विचार प्रकट किए थे कि मैं इस विचार से सहमत नहीं हूँ कि राजनीतिक स्वाधीनता से पूर्व सामाजिक पुनर्रचना या उसका जो सुधार है उसका कार्य पूरा होना चाहिए। मेरी राय में अपने भाग्य को निर्धारित करने की शक्ति के बिना हमारा नवविकास का कार्य सही ढंग से पूरा नहीं हो सकता। ये उन्होंने अपने पत्र के माध्यम से स्पष्ट कर दिया था। तो पहला उनका ये हो गया कि राजनीतिक स्वाधीनता प्राथमिकता के रूप में है। दूसरा, समाज सुधार की अगुवाई का उत्तरदायित्व भारतीयों के हाथों में हो। माना कि सामाजिक सुधार करना है, समाज में बहुत से सुधारों की आवश्यकता है, पर वो सुधार कौन करेगा? हमारी सभ्यता, संस्कृति, आदर्श, मूल्यों के जो जानकार हैं, जिनका बड़ा अध्ययन है और इस समाज को लेकर जिनकी चिंता है, वो ही तो अच्छी प्रकार से कर सकते हैं। अंग्रेजों की सभ्यता, संस्कृति, मूल्य, आदर्श भिन्न थे। वो लोग यहाँ जो अनुत्तरदायी है, हमारे समाज की सूक्ष्म बातों का उनको ज्ञान नहीं है और उनको पीड़ा भी नहीं है, वो लोग उनके द्वारा जो सुधार होंगे तो वो सुधार वास्तव में सुधार नहीं होंगे। तो तिलक साहब कहना चाहते थे कि हमारे समाज सुधार की अगुवाई के जो कार्य हैं वो सारे सब हमारे द्वारा ही संपन्न होने चाहिए, तभी जाकर उनमें स्थायित्व आएगा, स्थायी प्रकार के कार्य होंगे, सुधार होंगे, टिकाऊपन होगा उसमें। तो ये था तीसरा, समाज सुधार का आधार जनसहमति। देखो, कोई भी सुधार थोपा नहीं जाना चाहिए। समाज सुधार के लिए जनभावना, आत्मा क्या स्वीकारती है, आत्मा क्या चाहती है, उसके अनुसार। और आत्मा मेरे में जो आत्मा है वो सब में है,
आत्मा का स्वरूप, आत्मा सुप्रमात्मा, आत्मा सब में एक ही प्रकार का, तो आत्मा कभी भी गलत को स्वीकार नहीं करती है। तो ऊपर से थोपा हुआ कोई भी सुधार वो स्थायी नहीं होता, अंदर से चीजें पैदा होनी चाहिए और उसके लिए शिक्षा का प्रचार प्रसार हो, सामाजिक चेतना है वो जगाई जाए और सबको साथ लेकर, सबको साथ लेकर सुधार करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। यदि इसके सिवा कुछ है, इधर उधर है, ऊपर नीचे है, तो वो व्यर्थ होता है। तो एक जगह पट्टा भी सितार मियां ने गोखले और तिलक के विचारों को लेकर उसमें अंतर किया था और उन्होंने लिखा था, गोखले उच्च वर्ग और बुद्धिजीवियों की तरफ देखते थे जबकि तिलक सर्वसाधारण और करोड़ों की ओर देखते थे। तो तिलक साहब का सोच दर्शन सबको साथ लेकर सबके विकास में, जो सबसे अंत में है उसका भी सर्वोदय हो, उसका उदय, उसको सबसे पहले, गांव का पिछड़ा हुआ दलित है जिनके पास न्यूनतम सुविधाएं नहीं, उनको सबसे पहले वो प्राथमिकता में लेने की बात करते थे। अगला, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों को एक दूसरे से अलग रखना। तिलक साहब चाहते थे कि इन मुद्दों को, राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों को मिक्सअप नहीं किया जाए, इनको अलग अलग संयुक्त यदि मिक्स कर देंगे तो समस्या बढ़ जाएगी। और जो खास मुद्दे हैं, जो प्राथमिकता वाले हैं, वो पिछड़ जाएंगे। और यदि हम सामाजिक मुद्दों को, प्रश्नों को पहले रखेंगे, तो ये सामाजिक मुद्दे तो बड़े व्यापक मुद्दे हैं, तो इससे उलझनपूर्ण स्थिति, बड़ी बहस छिड़ जाएगी, एक इसमें टाइम लगता है। तो उस लिहाज से फिर जो हमारा राजनीतिक मुद्दा है, स्वाधीनता प्राप्त करना, वो पिछड़ जाएगा। और अंग्रेज लोग जो बांटने का काम करते हैं, हमारी जो आपस में डिवाइड एंड रूल, उनको और इसमें अधिक मौका मिलेगा, वो और ज़्यादा खाई चोड़ी हो जाएगी आपस में। तो सबसे पहले हमें राजनीतिक स्वतंत्रता है उसकी बात करनी चाहिए। यदि उधर से ध्यान हटा लेंगे और इन सामाजिक मामलों में हम पहले इनको पुटअप करेंगे, देखेंगे, तो फिर राजनीतिक स्वतंत्रता बहुत वर्षों तक पिछड़ जाएगी। तो इस प्रकार से तिलक साहब का कि इनको इनमें संयुक्त न किया जाए, अलग अलग रखा जाए। हमारे हाथ में सत्ता आ जाएगी, राजनीतिक सत्ता, हम खुद अपने सत्ता के कर्ता धर्ता होंगे, निर्माता, तो उस समय हम सामाजिक जो भी समस्याएं धीरे धीरे करके एक एक करके उनका सबका समाधान कर लेंगे। और अस्पृश्यता का विरोध, तिलक जात पात में विश्वास नहीं करते थे, वो अस्पृश्यता अनटचेबिलिटी को बिल्कुल भी लाइक नहीं करते थे। वो सब लोगों के साथ खा पी लेते थे, बैठ उठ लेते थे, समाध कर लेते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। और तिलक ने एक बार कहा था कि ईश्वर भी कह दे कि ये अस्पृश्यता मैंने चलाई है, मैंने पैदा किया है, तो तिलक साहब ने कहा, मैं उस ईश्वर को नहीं मानूंगा, मैं उस ईश्वर को ही अस्वीकार कर दूंगा। और एक जगह तो उन्होंने गांधी जी को भी, अछूतों को लेकर बड़ी चिंता थी, पर तिलक साहब उनसे बहुत आगे थे। उन्होंने एक जगह कहा था, यदि छुआछूत जिंदा रहता है तो उससे अच्छा है कि हिंदुवाद समाप्त हो जाए, हिंदुवाद की मृत्यु हो जाए, इतना कह दिया था तिलक साहब ने, इतना कह दिया था। तो वो अस्पृश्यता की किसी भी प्रकार रूप को पसंद नहीं करते थे, ये समाज को बांटने वाला है, बहुत बड़ा जन समुदाय है, उसको अनेक प्रकार से पीड़ा भोगनी पड़ती है, और वो उन सब का दर्द समझते थे। वो जितने भी उनके आयोजन उत्सव वो उत्सव फंक्शन होते थे, तो दलित भाइयों को वो सबसे आगे रखते थे। तो इस प्रकार से उनका था। एक मदिरा पान का विरोध किया, तिलक साहब ने कहा कि हमारा पतन धर्म के कारण नहीं हुआ है, हमारा पतन धर्म की उपेक्षा के कारण हुआ है। इसको लेकर वो ये कहते थे कि हिंदू और इस्लाम धर्म में कहीं भी मदिरा सेवन की इजाज़त नहीं है,
फिर भी मदिरा सेवन हो रहा है तो ये धर्म विरुद्ध है। और इसका कारण उन्होंने बताया कि अंग्रेज लोगों ने यहाँ मदिरा की शुरुआत की है और उससे हमारा अधःपतन हुआ है, तो ये उन्होंने कहा था। और उन्होंने फिर अपनी ओर से जब इन परिस्थितियों को देखा ये सारा सब, तो अपनी ओर से कुछ सुधार के प्रस्ताव रखे थे, जो उनके सहयोगी थे, जो उनके कंपेन में साथ थे, उन सबके सामने वो समाज सुधार के कुछ प्रस्ताव रखे थे। और वो प्रस्ताव इस प्रकार से हैं कि 14 वर्ष से पूर्व किसी बालिका का विवाह नहीं किया जाएगा, 20 वर्ष से पूर्व किसी बालक का विवाह नहीं किया जाएगा, 40 वर्ष के बाद किसी भी स्त्री पुरुष का विवाह नहीं होगा, यदि कोई व्यक्ति पुनः विवाह करता, दूसरा विवाह करता है, तो वो विवाह केवल एक विधवा के साथ ही हो सकता है, कोई मद्यपान नहीं करेगा, कोई दहेज प्रथा का विरोध करेगा, दहेज नहीं लेगा, और कोई भी विधवा है उसको कुरूप नहीं करेगा। आपको पता होगा जो विधवा महिला हो जाती थी तो उसके बाल काट दिए जाते, वो अच्छे कपड़े नहीं पहन सकती, तो ये इस प्रकार से उसका स्नान नहीं कर सकती, वो कोई और अपना साजो सरकार नहीं कर सकती, तो इस प्रकार का जो यातना वाला जीवन, दयनीय जीवन, ऐसा किसी विधवा महिला के साथ नहीं करना चाहिए, नहीं होना चाहिए। और यदि इन प्रस्तावों को कोई उनका सहयोगी स्वीकार करता, कोई भी मनुष्य स्वीकार करता है, तो इसके अंतर्गत समाज सुधार और सार्वजनिक कार्यों की एक बड़ी संख्या होगी, बड़े कार्य करने होंगे और उसके लिए धन की आवश्यकता होगी। तो जो कोई भी इसको, इन प्रस्तावों को स्वीकार करता है, वो अपनी आमदनी का 20वां हिस्सा इस समाज सुधार के लिए देगा, समाज को देगा। तो इस प्रकार से वो इन सारी बातों के लिए, समाज सुधार के लिए चिंतित थे। और जितना तिलक साहब ने किया वो बहुत अधिक किया। और आज मैं यही मेरी वाणी को विश्राम दूंगा, आपने ध्यानपूर्वक सुना, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।